वेलकम टू चैनल। तो फ्रेंड्स, मर्जर ऑफ इंडिया पोस्ट एंड आरआरबी के बारे में बात करेंगे और बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। सारी चीज़ें इसमें अपने डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस के लिए कर रहे हो, एसबीआई के लिए कर रहे हो, आरबीआई के लिए कर रहे हो, किसी भी बैंक की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो ना, तो ये कोर्स बेहतरीन कोर्स आप लोगों के लिए और इंडिया के नंबर वन फैकल्टी की तरह बनाया गया कोर्स है। 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे इस पर मिल रहा है आपको। 2249 पे अपने को 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने पर। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दी से परचेज कर लीजिए यार, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, वीडियो क्लासेस भी मिलेगी, लाइव क्लासेस भी मिलेगी, यानी सारी चीज़ें आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगी। अगर आपको स्पेशली मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको यहाँ पे 1200 प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने पे। 555 का ये कोर्स है पूरा का पूरा, इसमें भी 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा और ये सभी एग्जाम को कवर करेगा, चाहे आपका आरबीआई हो, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, कोई भी एग्जाम आपको सिंडिकेट हो, देना हो, साउथ इंडियन हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सभी बैंक्स के एग्जाम को कवर करेगा। और यहाँ पे टॉपिक सेक्शनल ऑल ई बुक्स आपको फ्री मिलेंगे। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न रहेगा, वैलिडिटी इसकी 12 मंथ रहेगी। आप इजीली मोबाइल पे भी देख सकते हो, वेबसाइट पे देख सकते हो, लैपटॉप में चला सकते हो। तो यार ये जल्दी से इस ऑफर को ले लीजिए, बहुत जल्द आपका जो है फिर वो एंड होने वाला है। तो इस एंड होने से पहले जल्दी जल्दी अपना परचेज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अपने बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में अपने बात करते हैं। अभी जो पीएसबी की प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, इसी के साथ आरआरबी के मर्जर की भी बात सामने आई है। तो चलिए जो आर्टिकल आया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कंसोलिडेशन इंडिया पोस्ट आरआरबी टू कंबाइन टू फॉर्म पीएसबी, यानी इंडिया पोस्ट और आरआरबी को कंबाइन करके एक बड़ा लार्ज पीएसबी बनाने की बात है, वो अभी अर्ली सेशन में है, यानी अभी अभी ये आर्टिकल के अंदर छपा है और ये चीज़ें अपने को सामने देखने को मिली है। अब इससे बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड खराब हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्या सर पीएसबी बैंक प्राइवेट हो रहे हैं तो क्या आरआरबी भी प्राइवेट हो जाएंगे? तो यार हम प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, जब बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो हम गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर लेते हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेते हैं, टीचर की कर लेते हैं। बहुत सारे दिमाग में आपके ख्वाब चल रहे होंगे। तो देखिए यार, अगर आपने आज से 2 या 3 साल पहले बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और उस टाइम से आप लगे हुए हो बैंकिंग प्रिपरेशन में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग के बारे में नॉलेज होगा आपको, यानी आपकी प्रिपरेशन टॉप पे है। आप कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स से अभी भी रह रहे हो, तो ये इससे बड़ा फैक्टर और कुछ नहीं है कि 1 या 2 मार्क्स और आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे आपका जो वो पहले तो आपको 1 से 2 साल वेस्ट करने पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें दोबारा जीरो से करनी होगी। तो इसलिए आप इस सेक्टर को मत छोड़िए, यहाँ पे कुछ भी प्राइवेटाइजेशन होने वाली बात नहीं है। अगर आरआरबी की बात करिए तो ये प्राइवेट होने के अभी 10 से 12 साल कोई भी चांसेस नहीं है आरआरबी के प्राइवेट होने की। पर अभी जो ये बात आई है कि क्या ये इंडिया पोस्ट और आरआरबी दोनों कंबाइंड करके एक पीएसबी बना दिया जाएगा और बाद में आरआरबी को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, तो ये भी लोगों के दिमाग में चल रही है खबरें। तो देखिए, आरआरबी को अभी जो इन्होंने बात बोली है ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल में छपा है, इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये न्यूज़ बहुत जल्द इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी तो इस पर जो है वो न्यूज़ आई है, अभी इस पर बहुत सारा टाइम लगने वाला है, यानी मान के चलो 4 से 5 साल तक ये चीज़ें होने वाली नहीं है आने वाले टाइम में, उसके बाद कहीं जाके हो सकती है। तो इस टाइम पे जो बात क्या आ रही है वो आ रही है कि लॉस मेकिंग इंडिया पोस्ट, यानी इंडिया पोस्ट जब बना था तो उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि लोगों की सेवा करना, और लोगों की सेवा करने के लिए दूरदराज में जहाँ गाँवों में कुछ भी सुविधा नहीं थी वहाँ पे ये चीज़ें बनाई गई थी, इंडिया पोस्ट बनाया जाए, भारतीय डाक बनाया जाए। और अब सरकार बोल रही है कि ये तो हमें लॉस दे रहा है, क्योंकि अगर इंडिया बैंक की इंडिया पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 4.2 लाख एम्प्लॉय है और इनको सैलरी भी देनी पड़ती है और 1.56 लाख नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस अक्रॉस इंडिया। तो यार 4.2 लाख एम्प्लॉयज़ को अगर सैलरी दे रहे हैं, वहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहा भारतीय डाक इनको, तो यार ये डेफिनेटली सरकार इसके बारे में सोच रही है। इसके बाद जो 45 आरआरबी इन द कंट्री विद 14,000 स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज अपने पास है, ये भी अपने को लॉस दे रही है, आरआरबी भी लॉस दे रही है अपने को। देखिए, इंडिया पोस्ट का जो लॉस है वो 18,255 करोड़ रुपये है फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर, और आरआरबी की बात की जाए देखिए 548 करोड़ कंबाइंड लॉस है आरआरबी इन फाइनेंशियल ईयर 2019 कंपेयर्ड विद नेट प्रॉफिट ऑफ 1501 करोड़ इन फाइनेंशियल 2018। तो ये देखिए यार, दोनों ही चीज़ें इनको क्या कर रही है, लॉस दे रही है। तो वो क्या सोच रहे हैं कि अभी इन दोनों को कंबाइंड कर दे, यानी दोनों चीज़ें लॉस दे रही है, दोनों को कंबाइंड कर दे जाए, एक बड़ा पीएसबी बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो वहाँ से देखने को मिल सकता है। तो ये भी सरकार की एक अच्छी सोच है कि जहाँ पर लगातार लॉस हो रहा है तो उन चीज़ों को वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे कंबाइंड कर रहा है। तो ये चीज़, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ये आप मत सोचो कि यार ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे आरआरबी तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ये चीज़ होती है तो ये दोनों बैंक क्या है, इंडिया पोस्ट और आरआरबी कंबाइंड हो गए, एक बड़ा पीएसबी आपका बन जाएगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर ये भी चीज़ नहीं होगी अगर, तो ये चीज़ होगी पूरे ऑल इंडिया एक ही आरआरबी होगा, यानी उसके अलग अलग ब्रांचें जो होगी उनमें नाम सिर्फ एक ही आरआरबी का चलेगा। अभी जो वो सेंटर, स्टेट और जो स्पॉन्सर बैंक है उनका जो हिस्सा है वो चल रहा है आरआरबी के अंदर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंटर यहाँ पे है, स्पॉन्सर बैंक आपका यहाँ पे है,
स्टेट गवर्नमेंट आपके यहाँ पे है तो बहुत मजबूत आरआरबी यार, आपको डरने की जरूरत नहीं, प्रिपरेशन करते रहिए, आरआरबी पीओ क्लरिकल के एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। पीएसबी अगर प्राइवेट हो रहे हैं तो वहाँ पे भी डरने की दिक्कत नहीं है, जो भी बैंक्स प्राइवेट हो रहे हैं उनमें आपको डरने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बैंक अगर प्राइवेट होंगे जो फैसिलिटीज आपको मिलती थी वही फैसिलिटीज आपको बाद में भी मिलेगी, ये लगभग सेम चीज़ें हैं। अगर प्राइवेट होता है तो वही फैसिलिटी आपको मिलेगी, पर दिक्कत यहाँ पे आती है कि आप जब प्राइवेट हो जाएंगे बैंक तो आपका जो काम का टाइम है वो भी बढ़ सकता है, प्रेशर आपका बढ़ सकता है, यानी आपको काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, पर आपकी जॉब सेफ रहेगी। अगर आप अच्छे से काम करोगे, मेहनत से काम करोगे, तो डेफिनेटली आपकी जॉब सेफ रहेगी और आपकी इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ वहाँ पे प्राइवेट के अंदर भी देखने को मिलेगा। अभी भी प्राइवेट बहुत सारे बैंक है जहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो यार डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे हैं, तो यार आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। और ये चीज़ अगर होती है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरआरबी अभी जो है 10 से 12 साल प्राइवेट होने वाला नहीं, आने वाले टाइम पे उसके बाद की बातें जो भी होगी वो देखी जाएगी क्या होगा। अभी इस टाइम पे जो आरआरबी सेफ है तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ध्यान लगा दीजिए प्रिपरेशन में, और आरआरबी प्योर क्लरिकल की पोस्ट जो है वो आप ही के लिए बनी है, और जल्दी से ले लीजिए। अगर आपने 2020-21 में अपनी जॉब सिक्योर नहीं की तो आने वाले टाइम में जो कंपटीशन बढ़ जाएगा, एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। आजकल मेंस के एग्जाम के अंदर लेवल आप खुद चेक कर सकते हो, आपने खुद ने एग्जाम दिया होगा मेंस का कि लेवल क्या आता है, वहाँ पे कौन सी भजने आती है, कौन से DI आते हैं, कौन से क्वेश्चन GA के आते हैं, हिंदी कैसे आती है, कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आने वाले टाइम पे तो ये चीज़ें और हार्ड होती जाएगी, और हार्ड होती चली जाएगी, और साथ ही साथ जो कंपटीशन है वो भी और बढ़ता चला जाएगा। तो यार डेफिनेटली जॉब लेने के 2 साल है ये, 2020-21 में अगर जॉब सिक्योर कर ली तो कर ली आपने, उसके बाद बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आने वाली है, तो जल्दी से अपनी जॉब सिक्योर कीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग वाला जो बटन है बेल आइकन वाला वो भी दबा लीजिए।